नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के चेन्नई के खिलाफ होने वाले मुकाबले के बारे में, जहां पर दोस्तों बात करेंगे कि आरसीबी टीम के वो 6 या 7 खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड कौन से रहेंगे जो इस मैच में आरसीबी टीम को मैच जिता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो और अगर आरसीबी टीम को चेन्नई के खिलाफ जीतते हुए देखना चाहते हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो और आरसीबी टीम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाना चाहते हो रेगुलर, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें आरसीबी टीम की, तो आरसीबी टीम ने जैसा कि अभी तक 5 मुकाबला खेला है जिसमें से उसे 3 में जीत मिली है जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार झेलनी पड़ी थी जिसके बाद टीम की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि भाई वहां पर जो है आरसीबी टीम की गेंदबाजी बेहद खराब रही थी, इसके साथ ही फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही थी। इसी वजह से दोस्तों अब हो सकता है कि अगले मैच में यहां पर आरसीबी टीम थोड़ा इंप्रूवमेंट के साथ में मैदान पर उतरे। और खुशखबरी यह है कि अगले मैच में आरसीबी टीम के लिए क्रिस मॉरिस खेलने वाले हैं, मॉरिस की वापसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मोइन अली को हो सकता है कि टीम बाहर कर दे, उनके जगह पर क्रिस मॉरिस की वापसी हो जाए, क्योंकि भाई वो उन्होंने डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की थी जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मोइन अली को बाहर करके यहां पर क्रिस मॉरिस को मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें उन 6 या 7 खिलाड़ियों की जो कि आरसीबी टीम को चेन्नई के खिलाफ मुकाबला जिता सकते हैं, तो पहले जो 2 खिलाड़ी होंगे वो आरसीबी टीम के ओपनर्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, देवदत्त पड्डीकल यहां पर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो 350 ऑलरेडी लगा चुके हैं जिसकी वजह से फैंस को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बन गई हैं। वहीं दोस्तों बात करें फिंच की, तो फिंच से एक अच्छी पारी की उम्मीद है सभी फैंस को। सभी फैंस यही उम्मीद करें कि एरन फिंच जो है चेन्नई के खिलाफ एक अच्छी पारी खेलेंगे और टीम को जीत में अपना अहम योगदान देंगे। इसके बाद दोस्तों 2 खिलाड़ी जो और होंगे वो होंगे कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और कप्तान विराट कोहली, ये दोनों खिलाड़ी अगर चलते हैं इस मैच में तो आरसीबी टीम को एक तरफा जीत मिल सकती है, क्योंकि भाइयों इन दोनों ही खिलाड़ियों का नाम ही काफ़ी है। एबी डिविलियर्स जहां पर तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं जैसा कि हमने कई मैचेस में देखा है। वहीं दोस्तों कप्तान विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे मगर वो फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। और फैंस जो है यही उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली के बल्ले से एक और अच्छी पारी देखने को मिले। अब दोस्तों बात करें 5वें खिलाड़ी की, तो 5वें खिलाड़ी होंगे यहां पर क्रिस मॉरिस, 6वें खिलाड़ी होंगे युजवेंद्र चहल और 7वें खिलाड़ी होंगे नवदीप सैनी। जी हां दोस्तों, ये तीनों ही गेंदबाज जो है आरसीबी टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि भाइयों आरसीबी टीम की गेंदबाजी जो है काफी कमजोर नजर आती है। वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की थी मगर दोस्तों डेथ ओवर्स में और मिडिल ओवर्स में बाकी गेंदबाजों ने निराश किया था। चहल पिछले मैच में लय में नजर नहीं आए थे लेकिन इस मैच में उम्मीद कर रहे फैंस की अच्छे लय में दिखाई देंगे और आरसीबी टीम को मुकाबला जिताएंगे। वहीं दोस्तों सैनी के पास अच्छी पेस है, वो अच्छे फॉर्म में भी हैं, इसलिए नवदीप सैनी भी अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे और अपने फॉर्म का फायदा उठाना चाहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।